हेलो गाइस, आज हम लाइब्रेरी साइंस में आज हमारा टॉपिक है आईएसएसएन। आज हम आईएसएसएन के बारे में चर्चा करेंगे कि आईएसएसएन की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा आईएसएसएन प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा आईएसएसएन की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई और कब आईएसएसएन की स्थापना हुई, कब से आईएसएसएन प्रदान किया जा रहा है। अगर हम विशेष रूप से भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में आईएसएसएन जो संस्था प्रदान करती है वो कौन सी संस्था है, कब से वो आईएसएसएन प्रदान कर रही है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आईएसएसएन कितने भागों में डिवाइड है, ठीक है, कितने इसकी मतलब शुरू में कितने ये शुरू के अंक कितने डिजिट के होते हैं, बाद की जो अंक है वो कितने डिवाइड मतलब कितने डिजिट के हैं, दो भागों में डिवाइड है ये, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जो पिछला वीडियो था आईएसबीएन का, उस वीडियो पर कुछ बच्चों ने कमेंट किया उसमें कि जो मैंने आपको जो सन बताई आईएसबीएन की इंडिया में कब से दी जा रहा है, उस पर कुछ ने कमेंट किया था कुछ बच्चों ने। तो देखो मैं आपको हम आपको जो भी हमारा जो चैनल है, इतने बड़े चैनल पे आप हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमसे काफी लाखों हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, तो हम ऐसा कोई मतलब कि कोई चीज आपको गलत नहीं देंगे वैसे तो, ठीक है। फिर भी अगर देखो मतलब कि अगर हमसे अगर ऐसी कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हम उसमें करेक्शन भी कर देते हैं अगर होता है तो। फिर भी बच्चे उसमें जो मैं हमने आपको बताया आईएसबीएन की भारत में कब से आईएसबीएन प्रदान किया जा रहा है तो उसपे कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन कर रहे थे। मैंने आपको 1985 बताया, 1985 से हमारी जो एजेंसी है आरआरएफ वाली वो आईएसबीएन प्रदान कर रही है, और कुछ बच्चे उसको बोल रहे थे कि सर ये 1980 होगा। तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो 1980 बिल्कुल गलत है, 1985 से लगातार ये आईएसबीएन प्रदान किया जा रहा है इंडिया में एजेंसी के द्वारा, आरआरएफ एजेंसी के द्वारा। और अगर जिन्होंने गलत पढ़ रखा है तो वो उसमें करेक्शन कर सकते हैं, अपने में सुधार कर सकते हैं, पर जैसे ऐसे कमेंट नहीं करें क्योंकि हमारे जो वीडियो मतलब देखते हैं काफी बच्चे देखते हैं, फिर उनके भी मन में कुछ ऐसा डाउट होता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे कमेंट बिल्कुल नहीं करें। हम आपको जो भी चीज देंगे वो उत्तरायण चीज होगी, ठीक है, तो किसी कमेंट पे ध्यान न देके और वीडियो को देखे, हम आपको उत्तरायण चीज दे रहे हैं, कोई चीज गलत नहीं होगी। फिर भी अगर उसमें कुछ गलती होती है तो हम खुद उसमें करेक्शन करेंगे, आपको कमेंट्स में करके हम बताएंगे, तो उसमें पर वैसे हम ऐसी कोई चीज आपको देंगे नहीं, ठीक है। हम आपको मटेरियल जो प्रोवाइड करवाएंगे वो उत्तरायण ही होगा हमारा मटेरियल। तो आज हम लाइब्रेरी साइंस में आज हमारा टॉपिक है आईएसएसएन, आज हम आईएसएसएन के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो देखो आपको बताना चाहूंगी आईएसएसएन का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, और ये जो आईएसएसएन जो नंबर है ये क्या है कि पत्र पत्रिकाओं या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया जो प्रकाशन तो उनको प्रदान किया है। सबसे पहले तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगी आईएसएसएन होता क्या है। तो आईएसएसएन क्या है कि मतलब एक नंबर है और उस नंबर को आईएसओ के द्वारा विकसित किया गया है। सबसे पहले आईएसएसएन क्या है कि पत्र पत्रिकाओं समाचार पत्रों प्रिंट मीडिया रूप में जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो भी समाचार है पब्लिकेशन उसके अलावा सामयिक प्रकाशन जो आते हैं उन सभी को प्रदान की जाने वाली एक विशिष्ट पहचान संख्या है। और आईएसएसएन क्या होता है कि ये मतलब कि 8 नंबरों की एक संख्या है और ये 2 भागों में डिवाइड होती है, ठीक है। जो शुरू के जो 7 अंक होते हैं वो तो टाइटल संबंधी होते हैं और पीछे का जो 1 अंक होता है वो अंतिम अंक जो हमारी चेक डिजिट या जांच नंबर से संबंधित होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं देखो आईएसएसएन की स्थापना की, तो आईएसएसएन की स्थापना आईएसओ आईएसओ का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा लगातार इसकी मतलब 1971 में इसको विकसित किया गया और फिर 1975 से ये नंबर प्रदान किया जा रहा है आईएसओ के द्वारा। और अगर हम विशेष रूप से अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में हमारी जो नेशनल साइंस लाइब्रेरी एनएसएल है निस्केयर दिल्ली में, उसके द्वारा 1986 से लगातार जितने भी इंडिया में प्रकाशन पब्लिकेशन प्रकाशित हुए सीरियल्स उनको प्रदान किया जाता है 1986 से लगातार दी जा रही, मतलब नेशनल साइंस लाइब्रेरी एनएसएल 1986 से भारत में आईएसएसएन नंबर आवंटित कर रही है उनके लिए, ठीक है। और अब हम देखो सबसे पहले आईएसएसएन की अगर हम पूरा नाम है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, बात करें आईएसएसएन की स्थापना की तो आईएसएसएन की स्थापना आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो संस्था है उसके द्वारा 1971 में इसको विकसित किया गया है। उसके बाद में ये नंबर 1975 से लगातार प्रदान किया जा रहा है, प्रकाशित हो रहा है लगातार, है ना। और अगर हम आईएसएसएन को विकसित जो आईएसओ ने विकसित किया तो उसको किस मानक के तहत विकसित किया गया, तो उसका मानक था आईएसओ 3297 के तहत इस नंबर को विकसित किया गया। अब बात करें हम आईएसएसएन के अंकों की, तो जो आईएसएसएन 8 अंकों की एक संख्या होती है और ये 8 अंक जो होते हैं ये 2 भागों में डिवाइड होते हैं। शुरू के जो 7 अंक होते हैं 7 डिजिट
वो तो होते हैं टाइटल से संबंधित, जो भी आवधिक प्रकाशन सामयिक सीरियल पत्र पत्रिका है उनके शुरू के 7 अंक तो उनके टाइटल संबंधित है, और अंतिम जो एक अंक होता है वो अंतिम एक जो होता है वो चेक डिजिट या जांच नंबर संबंधित होता है, ठीक है। और वो अंतिम जो एक अंक होता है वो अंतिम एक अंक चेक डिजिट जो संबंधित होता है वो 0 से 9 तक की कोई भी संख्या या एक्स के रूप में हो सकता है आपका, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं विशेष रूप से भारत के संदर्भ में, तो भारत में आईएसएसएन प्रदान करने वाली संस्था नेशनल साइंस लाइब्रेरी निष्कर जो दिल्ली में है उसके द्वारा लगातार 1986 से भारत में आईएसएसएन नंबर प्रदान किया जा रहा है। और ये जो आईएसएसएन नंबर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट संस्करण अलग अलग दिया जाता है। प्रिंट संस्करण के लिए आईएसएसएन दिया जाता है स्मॉल पी आईएसएसएन, और इलेक्ट्रॉनिक रूप में अगर आपका कोई भी प्रकाशन होता है तो उसको स्मॉल ई आईएसएसएन अंक प्रदान किया जाता है। तो आईएसएसएन पे जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपके सारे क्वेश्चन क्लियर करवाए, और मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए इससे बाहर आईएसएसएन पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सब क्वेश्चन इसी के अंदर से आएंगे, चाहे वो आपका एग्जाम डीएसएसबी का हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, या विशेष रूप से अगर हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में तो राजस्थान में जो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड, तो इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करके मुझे जरूर बताएं।